अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनस। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल बॉल न्यूज लाइव। नाजरीन, इमरान खान की तरह इमरान खान के बेटे सलमान खान और कासिम खान शेर निकले। रिसेंटली उनके इंटरव्यू ने सबको हैरान कर दिया। इमरान खान अपने एक इंटरव्यू में बता चुके हैं कि बड़े बेटे सलमान खान को बचपन ही से इमरान खान की बड़ी फिक्र थी। ये हमेशा अपने बाप इमरान खान को सियासत से दूर रहने पर जोर दिया करते थे। इमरान खान का अपने बेटों के बारे में दिया गया इंटरव्यू भी आपसे शेयर करेंगे। हर किसी के बेटों की तरह कासिम और सलमान भी अपने बाबा इमरान खान से बेहद प्यार करते हैं, इसलिए जब से इमरान खान पर हमला हुआ तब से मुसलसल अपने बाप से के साथ रابطے में रहते हैं और एक दफा पाकिस्तान आकर अपने बाबा इमरान खान की खैरियत भी दरियाफ्त कर गए हैं। ज़राए के मुताबिक अब इमरान खान के साबिका अहलिया जमाइमा गोल्डस्मिथ भी पाकिस्तान आ रही हैं और इमरान खान की खैरियत दरियाफ्त करेंगी। जैसा कि इमरान खान एक इंटरव्यू में बता चुके हैं, जमाइमा खान को पाकिस्तान में उनकी बीवी होने की सजा मिली है। लोगों ने उन्हें तंग किया, वो अपने दोनों लगते जिगर बच्चों को लेकर बरतानिया चली गई और वहाँ खुशहाल जिंदगी गुजारने लगी हैं। हमले के बाद इमरान खान ने एक इंटरव्यू में जमाइमा के बारे में बात करते हुए बताया, तलाक का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि बच्चे बाप की शफकत से महरूम हो जाते हैं और औलाद अपने माँ बाप का कीमती असासा होती है। जिस दिन मेरे पे हमला हुआ, मेरे दोनों बेटे और जमाइमा बहुत परेशान थी, इसलिए जमाइमा ने कासिम और सलमान को फौरन मेरे पास भेज दिया। एक इंटरव्यू में कासिम और सलमान ने बताया, जब तक उनके बाबा मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हो जाते, हम उनके कसूरवारों को आजाद नहीं छोड़ेंगे। इमरान खान पर हमला करने वालों को आड़े हाथे लिया। इमरान खान के दोनों बेटे अपने बाप की तरह जज्बाती नजर आए और अपने बाप पर हमला करने वालों के खिलाफ हर हद तक जाने के लिए तैयार नजर आए। नाजरीन, करोड़ों लोग इमरान खान के लिए दुआएं कर रहे हैं और उनके बेटों के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार कर रहे हैं। आप लोग भी इमरान खान की जिंदगी और सेहत के लिए दुआ करें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद ऐसी खबरें सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बसानी मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया।